हाय दोस्तों, मेरा नाम है संग्राम सिंह और मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल मनी लॉजी पे। अच्छा, आज का जो वीडियो है ना, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे को मुझसे रिक्वेस्ट किया गया था कि मैं इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊं, लेकिन ये जो टॉपिक है ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है और अगर मैं इस टॉपिक पे आज वीडियो बनाऊं तो इसलिए मैं थोड़ा टाइम लिया इस पे वीडियो बनाने के लिए। और मुझे यकीन है कि जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मतलब मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, वो इस टॉपिक को अप्रिशिएट करेंगे क्योंकि वो आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग को शायद, जो लोग सेंसिटिव हैं नेचर में, उनको शायद ये वीडियो पसंद नहीं आएगा। तो अगर आप सेंसिटिव हैं, अगर आप थोड़ी बहुत क्रिटिसिज्म नहीं ले सकते हैं, तो प्लीज़ यहाँ यहीं से इसको बंद करके आप चले जाएं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अराउंड 90% पब्लिक में इतना दम नहीं आएगा कि वो इसके बाद से ये वीडियो कंटिन्यू करेंगे और एंड तक देखेंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, 90% पब्लिक में इतना दम नहीं आएगा क्योंकि ये टॉपिक इतना सेंसिटिव है कि आप यहाँ से एंड तक इसको देखेंगे और इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। अगर मान लीजिए आपने इस वीडियो को कंप्लीट किया तो आप मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो देख के समझ में क्या आया और आप अभी भी वही करना चाहोगे जो आप पहले करते थे या नहीं। ठीक है, तो चलिए, जो टॉपिक हमारा है वो ये है कि हम इतने सालों से स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं लेकिन हमें आज तक प्रॉफिट क्यों नहीं होता, हमें हर बार लॉस ही क्यों होता है। और जैसे मैंने बताया कि एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, अनीता चौधरी जी ने इसका रिक्वेस्ट किया था। तो अनीता जी, देखिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मुझे पता है इस वीडियो के बाद बहुत लोगों को तकलीफ हो सकती है, बट चलिए कोई बात नहीं, लेट मी जस्ट गो अहेड एंड सिर्फ आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए। तो देखो, आपको ना प्रॉब्लम इसलिए होता है, आप स्टॉक मार्केट से पैसे इसलिए नहीं कमा पा रहे, आप प्रॉफिट इसलिए नहीं कर पा रहे हो, इवन दो आप मार्केट में बहुत समय से हैं, आप पैसे इसलिए नहीं कमा पा रहे हो क्योंकि देयर इज सम प्रॉब्लम विथ योर हैबिट्स, आपके हैबिट्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। देखो, कौन सा इंडिकेटर लगाना है, कौन से चार्ट पढ़ने हैं, क्या करना है, ये सारे वीडियोज में आपको मिल जाएंगे। आप YouTube में जाइए, यहाँ बड़े बड़े लोग बैठे हैं, उन्होंने आपको बता के रखा है ये करें वो करें, उन सबके वीडियो देख के भी आपको प्रॉफिट नहीं हुआ ना, हुआ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? उसका बेसिक रीजन यही है कि भैया आपके आदतें कुछ ऐसी हैं कि उसकी वजह से आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा। ठीक है, मिर्जा गालिब का एक दोहा है, वो कुछ ऐसा है कि ता उम्र गालिब तू यही गलती करता रहा, चेहरे पे मिट्टी लगी थी और तू शीशा पोछता रहा, कुछ ऐसा है, एग्जैक्ट ऐसा नहीं लेकिन कुछ ऐसा है, मतलब चेहरे पे मिट्टी लगी है और हम शीशे को साफ करते रहे पूरी जिंदगी। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी आपकी हैबिट्स बताने वाला हूँ, कुछ ऐसी आपकी हैबिट्स बता रहा हूँ जो आपको स्टॉक मार्केट में कमाने नहीं देती, आप उसकी वजह से स्टॉक मार्केट में कमा नहीं सकते। और आप सिर्फ क्या करना है आपको, आप सिर्फ इन हैबिट्स पे वर्क कीजिए, अपनी इन आदतों को सुधारिए, और ये ऐसी आदतें हैं जिसको सुधारा जा सकता है, ठीक है, जिसको बड़े आसानी से सुधारा जा सकता है। इसमें पहला जो पॉइंट है जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं वो ये है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार स्टॉक मार्केट से पैसे नहीं कमा सकते। ठीक है, उनके दिमाग में पहला एक कीड़ा घुस गया यहां पर कि भैया स्टॉक मार्केट से पैसे नहीं कमा सकते। तो मैं आप लोग से एक चीज बोलूंगा, अगर आपके दिमाग में ऐसा कीड़ा घुसा हुआ है तो भैया वीडियो क्यों देख रहे हो यार, आप जाके दूसरों के वीडियो क्यों देखते हो, मैं क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा हूँ। आप पहले तो मान ही चुके हो ना ये कि स्टॉक मार्केट से पैसे नहीं कमा सकते, तो वीडियो क्यों देख रहे हो आप? अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये है कि भैया स्टॉक मार्केट से पैसे कमा सकते हैं। तो पहले चीज अपने आप को ये बताइए कि भैया मार्केट से पैसे कमाए जा सकते हैं, ये बोलना बंद करो कि स्टॉक मार्केट से पैसे नहीं कमा सकते, मैं तो स्टॉक मार्केट में टाइम पास करने आया हूँ, कोई ट्रेड मिल गया तो ले लूंगा, नहीं मिलेगा तो नहीं लूंगा, हमारा तो दूसरा बिजनेस चलता है, मैं दूसरे बिजनेस से पैसा कमा रहा हूँ, ये तो सिर्फ ऐसे ही है, लेके 10 साल छोड़ दूंगा पैसा मिलेगा, इसलिए आपको नहीं मिल रहा है क्योंकि आप पहले से ही सोच के बैठे हो कि यहाँ से आपको पैसे नहीं मिलेंगे। अगर आप सोचोगे ना कि आपको यहाँ से पैसे मिलेंगे तो ही पैसे मिलने वाले हैं, वरना नहीं मिलने वाले हैं, ये चीज याद रखिए, पहला पॉइंट है ये। दूसरा पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं, पेशेंस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पेशेंस, आपके अंदर पेशेंस ही नहीं है यार, आप पहले इस बात को समझिए, आपके अंदर रत्ती भर का पेशेंस नहीं है, रत्ती भर का। मैं आपको एग्जांपल देता हूं,
आप स्टॉक मार्केट के वीडियोस देख रहे हैं, भैया मुझे स्टॉक मार्केट के वीडियोस देखने हैं, आपने किसी भी अच्छे जो स्टॉक मार्केट का एनालिस्ट है उसके वीडियो को क्लिक किया, एक मिनट देखा, उसके बाद पता नहीं आपको ऐसा क्या होता है, आप उसको बंद करके चले जाते हो। क्यों बंद कर देते हो भाई, आप मुझे बताइए, सोच के बताइएगा। क्योंकि पेशेंस नहीं, आप बोर हो जाते हो भाई। आप क्या इंटरटेनमेंट के लिए पिक्चर ये वीडियो देख रहे थे क्या? सोचिए जरा आप इस बारे में। आप क्या ये जो स्टॉक मार्केट का वीडियोस देख रहे हो ये इंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हो? नहीं देख रहे हो ना, आप देख रहे हो कमाने के लिए। तो अगर आपको कमाना है तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा, आप वो देखते नहीं, आप उसमें इंटरटेनमेंट क्वेश्चन देख रहे हो। भैया मुझे कोई इंटरटेन करे, भाई इंटरटेन होना जाके आईपीएल देखिए, आप जाइए जाके आप पिक्चर देखे बैठ के, क्यों बेकार में वीडियो देख रहे हो? जब आपने क्लिक किया, कोई वीडियो आप क्लिक कर रहे हो, चाहे किसी भी स्टॉक मार्केट के एनालिस्ट का हो या किसी का भी हो, कुछ सोच के आपने क्लिक किया कि भैया मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, तो आप सीखना क्यों नहीं चाहते फिर? आप दो मिनट देखोगे, अरे यार समझ में नहीं आ रहा है। भाई समझ में नहीं आ रहा है तभी तो तुम वीडियो देख रहे थे। अगर आपको समझ में आ रहा होता तो आप वीडियो देखते, मुझे आंसर दीजिए इस बात का, नहीं देखते ना। मैंने इसलिए बताया था आपको तकलीफ होगा ये वीडियो देख के, लेकिन कभी कभी तकलीफ होना बहुत जरूरी है, वो आपको सच्चाई के बारे में बताता है। भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं अपने वीडियो एग्जांपल दे देता हूँ। लेट्स सपोज मैंने एक वीडियो बनाया था हिकेनाशी कैंडल के बारे में, आपने उसे क्लिक किया, एक मिनट देखा, समझ में नहीं आया, आपने छोड़ दिया। अरे भैया नहीं समझ में आया तभी तो बनाया हूँ वीडियो, आप वो वीडियो देखें, आप मेरा देखो, किसी का भी देखो, किसी भी यूट्यूब का देखो यार, आप वो वीडियो को पूरा देखो, कुछ तो समझ में आएगा, 100 में से 5% तो समझ में आएगा। कल तक आप 0% पे थे भैया, आज 5% पे गए, 5% समझ में आया ना आपको? उसके बाद अगर आपको लगता है कि भैया जो मैंने सीखा मुझे मजा नहीं आया ये सीखने के बाद, तो आप क्या करें, उसी टॉपिक को फिर दूसरे सर्च करें, कोई दूसरे यूट्यूबर का वो कंटेंट देखें, आपको वो समझ में आ गया, आप सीख तो गए ना। फिर आदमी ऐसे सीखता है, आप अपने बच्चे को बोलो बेटा ये ABCD लिख, वो लिख देगा क्या? वो आपको पहले 15 बहाने बनाएगा, भैया पापा मेरे को नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। आप उसको बोलो लिखो, थोड़ा सा उस पर आप जब स्ट्रिक्ट बनोगे तब वो लिखेगा, वो ऐसे नहीं लिखने वाला। तो आप सबसे पहले ये जो आपका पेशेंस है ना जो आप खो देते हो, पहले उस पर कंट्रोल करो यार। आप इंटरटेनमेंट मत देखिए हर जगह कि मुझे कौन इंटरटेन कर रहा है। स्टॉक चैनल पे आप जहां भी जाओगे, जिसका भी आप वीडियो देखो, आपको बिल्कुल इंटरटेनमेंट नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप वहां कुछ सीखने वाले हो। सीखने के लिए आपको पूरा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, वो क्या बोल रहा है वो आपको सुनना पड़ता है, वो आप करना ही नहीं चाहते तो कहाँ से पैसे मिलेंगे आपको? मतलब आप चाहते हो कि मतलब आप घर पे बैठे रहो और आपको पैसे मिलते रहें, क्यों मिलेंगे भाई? ऐसा क्या कर दिया आपने कि आपको पैसे मिलेंगे? आपको मार्केट से पैसे मिलने चाहिए, बताइए आप मुझे, सोचिए जरा, कोई आंसर नहीं है। बस मैं अच्छा आदमी हूं, अच्छे आदमी यहां बहुत घूम रहे हैं सर, किसी को पैसे नहीं मिलते, यहां अच्छाई के पैसे नहीं मिलते हैं, यहां काम करने के पैसे मिलते हैं। ठीक है, आप काम करोगे तो ही पैसे मिलेंगे, नहीं वरना नहीं मिलेंगे। मेरे को टेक्निकल एनालिसिस आता है, आता तो क्या कर रहे हो आप? आपको हर दिन कैंडलस्टिक पैटर्न्स मिलते हैं, आप खरीद रहे हो क्या? टाइम नहीं मिलता, फिर वही बात, कमाना भी है टाइम का भी प्रॉब्लम है, तो फिर क्यों काम कर रहे हो, छोड़ दो। थर्ड प्रॉब्लम जो मैंने नॉर्मली देखा है आपका सबसे, हमारी जो हैबिट है, तीसरी प्रॉब्लम जो है, हम डिसीजन नहीं ले पाते। मैं डिसाइड नहीं कर सकता करूं कि ना करूं, कब लेना है क्या करना है, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, मैं डिसाइड नहीं कर सकता। देखो मुझे पता है कि स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए ना मुझे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, मुझे ना कुछ फंडामेंटल एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस सीखने पड़ेंगे, लेकिन मैं डिसाइड नहीं कर सकता कि मैं करूं कि ना करूं। अरे आप डिसाइड नहीं कर सकते भैया? आपने डिसाइड कर लिया है कि मैं नहीं करूंगा? आप जब बोल रहे हो कि मैं डिसाइड नहीं कर सकता, अगर मान लो आपके दोस्त ने आपसे पूछा भाई मेरे को 500 रुपये दे, यार मैं अभी डिसाइड नहीं कर सकता कि मैं तेरे को 500 रुपये दूँ या ना दूँ, तू एक काम करना तू मुझे एक हफ्ते के बाद पूछ। भाई आपने उसको नो तो बोल ही दिया ना कि भैया मैं तेरे को नहीं दे रहा हूँ, आपने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया कि मैं नहीं दूंगा, फिर क्या केला दे रहे हो आपकी, मतलब मैं डिसाइड नहीं कर सकता? आप पहले डिसाइड करो, आप पहले खुद सोचो कि भैया मुझे क्या करना है। अगर मुझे स्टॉक मार्केट में काम करना है तो भैया मुझे टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा। कब सीखोगे आप? जब पूरे पैसे खत्म हो जाएंगे तब सीखेंगे आप? आप बताइए मुझे। तो ये जो आपकी आदत है ना, मैं अभी डिसाइड नहीं कर सकता,
ये आपको बर्बाद कर रहा है, कोई और बर्बाद नहीं कर रहा आपको, ये आपको बर्बाद कर रहा है। विनर्स और लूजर्स में सिर्फ एक यही प्रॉब्लम है, विनर आदमी सिर्फ सोचता है कि वो जीतेगा कैसे, और लूजर हमेशा हारने की बात सोचता है, मैं हार गया तो, मैं हार गया तो। अब मैं डिसाइड नहीं कि मेरे पास थोड़े से ही पैसे हैं, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, स्टॉक मार्केट तो लक का काम है, यहां तो लक से पैसे बनते हैं। कौन बोल रहा है लक से पैसे बनते हैं? जितने लोग को टेक्निकल आंसर आता है उनसे जाके पूछिए भाई आपको पैसे क्यों मिल रहे हैं, वो आपको बताएं। कोई लगभग काम नहीं करता यहां पे, यहां पे वही काम करता है जो आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं वो काम करता है। तो आप डिसाइड नहीं कर सकते, मतलब एक्सक्यूज देखिए आप, मैं डिसाइड नहीं कर सकता मुझे करना है नहीं करना है, ये एक्सक्यूज लेके आप बैठे रहो जिंदगी भर, ये एक्सक्यूज लेके बैठोगे, जो जो पैसे लाए थे वो खत्म हो जाएंगे, उसके बाद फिर बैठ के बोलना नहीं तो स्टॉक मार्केट तो ऐसा ही है भाई, हम क्या कर सकते हैं। चौथा जो यहां प्रॉब्लम वही है, पोस्टपोन करते हैं भाई हम लोग, हर चीज को पोस्टपोन करते हैं, आज नहीं कल करता हूं। स्टॉक मार्केट से पैसे तो कमा सकते हैं मैं समझ रहा हूं, अच्छी चीज है, मुझे टेक्निकल एनालिसिस भी करना है, फंडामेंटल एनालिसिस भी करना है, मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी करना है, अकाउंट भी ओपन करने हैं, बहुत मुझे मालूम है यार यहाँ तो पैसे बनते ही हैं, लेकिन अभी नहीं। अभी एक्चुअली क्या है, मेरे घर पे एक छोटा सा काम चल रहा है, मेरे बच्चे का बर्थडे आने वाला है, दिसंबर की छुट्टी चलेगी, गर्मी की छुट्टी आने वाली है, तो अभी नहीं, उसके बाद करूँगा जब वो छुट्टी ख़त्म हो जाएगी। अरे अभी कहाँ, अभी तो ऑफिस में थोड़ा सा काम है, बॉस ये बोल रहा है करने के लिए। बस आप जिंदगी भर यही करोगे, आप सिर्फ पोस्टपोन करोगे बैठ के, हर चीज़ आज नहीं करूँगा मैं, दो दिन के बाद करूँगा, छः दिन के बाद करूँगा, मैं कर लूँगा, बहुत अच्छा है, मुंगेरी लाके हसीन सपने बैठ के देखते रहोगे आप। हाँ हाँ, एक दिन मैं बनूँगा अमीर, मेरे पास बहुत पैसे आ जाएंगे, उस समय मेरी कार होगी, मेरी खुद की फ्लाइट होगी, आप ये सारे चीज सपने करोगे कुछ नहीं है, आप बस पोस्टपोन करते रहो पोस्टपोन, आप करो पोस्टपोन, जितना पोस्टपोन कर रहे हैं, तकलीफ किसको हो रही है, आप ही को हो रही है ना, आप ही रो रहे हो मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। तो भैया पोस्टपोन करना बंद कर दो यार, आप सोचो मुझे ये काम करना है, कितनी जल्दी करूंगा उतना अच्छा। अगर ठीक है, आपने मान लो ये देख लिया कि भैया आपने एक फिगर आउट कर लिया, मेरे को अगर स्टॉक मार्केट में काम करना है तो मुझे फंडामेंटल एनालिसिस करने की जरूरत है, मुझे सीखना पड़ेगा, मुझे टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा, या तो ये दोनों सीखने पड़ेंगे या तो एटलीस्ट एक सीखना पड़ेगा, ये आपने फिगर आउट कर लिया, तो ठीक है अब एक काम करूंगा, जब मैं ये कर लूंगा तब मैं ट्रेड करूंगा। नहीं, ट्रेड करते रहेंगे कोई फर्क नहीं, क्या करूं मैं कंट्रोल नहीं करता सर, मुझसे कंट्रोल नहीं होता है, तो भुगतो, ये जो आपकी आदत है यही आपको डुबा रही है, भुगतिए, क्या कर सकते हैं। पांचवा जो प्रॉब्लम है, जो फिफ्थ प्रॉब्लम है, वो ये है, हम फेलियर से बहुत डरते हैं, हमको ना फेल होने से, हमको क्रिटिसिज्म से बहुत डर लगता है, पता नहीं क्यों, और इसमें आपकी गलती नहीं है, ये हम हमारा जो कल्चर है, जिस कल्चर से हम लोग आए हैं, वहां पे हमको बचपन से सिखाया गया है कि भैया तुमको फेल नहीं होना है, हम घबराते रहते हैं। अगर मान लो मैंने ये स्टॉक खरीद लिया और उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरे पैसे डूब जाएंगे, आपके पास अपॉर्चुनिटी आ भी रहा है, आपको मतलब आपको लग रहा है कि ये एक अच्छा लेवल है, यहाँ बाई कर सकते हैं, लेकिन आप वहाँ बाई नहीं करोगे क्योंकि आपके अंदर डर बैठा है, आपको फेलियर का डर बैठा है, आप इतने डरे हुए हो फेल होने से कि आपको अगर कोई जिताना भी चाहे तो भी आप नहीं जीत सकते। आपको देखो, मैं आपको बोलूंगा भैया आप ये करो, अब भैया मैं आपको गोदी में लेके तो करवा नहीं सकता ना यार, कि भैया ये लो स्पून फीडिंग, लो भाई खा लो खा लो खा लो, ये खरीद लो, करना तो आपको ही है ना, तो प्रैक्टिस भी तो आपको करनी पड़ेगी, अब मैं करूंगा प्रैक्टिस आपके लिए, आप बताइए कौन करेगा प्रैक्टिस, टाइम नहीं है, मैं कैसे करूं, आप उसके लिए बहाने लेके आओगे, आपके पास कितने बहाने आएंगे, आप देखना इस वीडियो के एंड में आप कितने बहाने लिखोगे, अरे सर बात तो सब सही है लेकिन क्या करें, मैं रात को लेट आता हूं, मेरे पास ये प्रॉब्लम है, घर में पैसे नहीं है, स्टॉक मार्केट तो अमीर लोगों के लिए है, हम तो गरीब परिवार को, ये सारे बहाने हैं आपके, सारे बहाने हैं आपके। दिवाली आएगी 10,000 का पटाखा जला दोगे, दोस्त आएंगे उनके साथ जाके 2-3,000 का पार्टी करके आ जाओगे, लेकिन स्टॉक मार्केट में बहाने बना रहे हो बैठ के आप कि नहीं यार ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, लक का काम है, करते रहो यही करो, मतलब आप
इतने घबरा चुके हो, आपको शर्म आती है कि मान लो जैसे आपने थोड़ा टेक्निकल से सीख भी लिया, तो आप किसी को बोलोगे भाई अच्छा सुनना ऐसे ऐसे बैंक ना 300 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के खरीद ले, आपसे वो भी नहीं बोला जाएगा। अगर गलती से वो फेल हो गया ना, उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी यार, मैं ये सब काम नहीं करने वाला, ठीक है। तो आप कुछ नहीं करोगे, आप मतलब बस आपके दिमाग में एक चीज घुसा हुआ है कि मेरा जन्म यहाँ पे लूज करने के लिए हुआ है, तो जो आप सोचोगे वही बनोगे ना यार, कुछ और तो बनने से रहे। लास्ट पॉइंट जो है, आप सीखना बंद कर देते हो, आप जो हो सीखना बंद कर देते हो। आपने 2-3 चीज सीख ली है, मान लो जैसे आपने थोड़ा टेक्निकल एंड सीखा भी है, जिसने नहीं सीखा है उसकी तो बात ही और है, मतलब उनके बारे में तो बात करना ही बेवकूफी है, वो तो शुरू के पॉइंट्स में ही अटके पड़े हैं, वो वहीं पे अटके रहेंगे। आप जो टेक्निकल सीख चुके हैं, जिनको फंडामेंटल एनालिसिस आता है या टेक्निकल एनालिसिस आता है, उन लोग भाई इतना ठीक है यार, मैंने इतना इतना ठीक है, मुझे इसके आगे सीखने की क्या जरूरत है। अब अगर आपको कोई बोल रहा है भाई तू एक काम करना, तू थोड़ा सीख ले, आप क्या बोलोगे? भैया मुझे मत सिखा, मुझे सब आता है, तू जिस स्कूल में पढ़ाई करता ना वहां का प्रिंसिपल हूँ, मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज है तुमसे, ठीक है। आप सीखना ही नहीं चाहोगे भाई, आपको लगता है कि जमाना वैसा ही है, जमाना बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, आप वहीं के वहीं पड़े हो यार, आप 2-3 चीज सीखे बैठे हो, बस उसी को लेके बैठे हो, कब तक मतलब कब तक करोगे आप, कब तक चलेगा? आज आप देखो मतलब अगर आपको याद होगा ना, जब आप छोटे थे या मैं छोटा था, एक कंपनी होती थी कोडैक बोल के, हम लोग फिल्म लगाते थे उसके अंदर, कैमरा से फोटो खींचते थे, याद आपको? वो सारी कंपनी खत्म हो गई, क्यों? उन लोग बदल नहीं पाए अपने आप को, कैमरा डिजिटलाइज हो गया, उन लोग अभी भी लेके बैठे हैं, वही लेके बैठे हैं, वो फिल्म वाला कैमरा लेके बैठे हैं, अपने आप को आप बदल नहीं पा रहे हो, अपने आप को इम्प्रोवाइज तो करो, कुछ तो बदलो, दुनिया बदल रही है, आप वहीं के वहीं बैठे हो, एक ही चीज लेके बैठे हो, वही गाना गा रहे हो, भाई मेरे को मत सिखाओ मुझे सब आता है। किसी का भी मतलब कुछ भी कोई सिखाने जाएगा, आप उसको बोलोगे भाई रहने दो मुझे बहुत आता है, उल्टा आप उसी को गाली देने लगोगे, आपकी आदत ऐसी है, आप उसे गाली देने, तुझे क्या आता है? जुम्मा 2 दिन हुए हो तुमको आए हुए, तुम मुझे सिखा रहे हो, पहले ये बताओ तुमने कितने कमा लिए, तुम क्या कर रहे हो भाई, तुमको उसके पैसे से मतलब है, तुम्हारे पैसे से मतलब है? वो अगर तुमको दिखा देगा तुम क्या कर लोगे बताओ? बस हम उसके लेके बैठे, वो हमको सिखा रहा है, वो क्यों सिखा रहा है, वो क्या समझता है अपने आप को? सर आप उन सबको छोड़ दो, अपने बारे में देखो ना भाई, आपका क्या हाल है? आप देखो जैसे आपके पास एक मोबाइल है ना, पहले 2G चल रहा था, 3G क्यों हो गया? कंपनी पागल है, मतलब कंपनी का दिमाग नहीं था उस टाइम पे कि मैं ये खराब चीज बना रहा हूं, अब अगर मैं 3G बनाऊंगा तो लोग बोलेंगे देखो पहले तो खराब बनाया था, पहले आपने मुझे उल्लू क्यों बनाया? बोलोगे ना भाई पहले आपने 2G क्यों दिया, उस समय ही 3G दे देते भाई, उस समय वो जरूरी था, उस समय वो टेक्नोलॉजी थी, आपने 2G यूज किया, अब बढ़ गया है, कंपनी ने अपने आप को इम्प्रोवाइज किया, वो 3G लेके आया, आपको बेटर चीज दे रहा है, नहीं 3G 4G आ गया, क्यों आ गया 4G? आप बोलो भैया जब तुम 3G लेके आए तुम्हारे पास दिमाग नहीं था भाई, उस समय जो टेक्नोलॉजी थी उस समय का आपको उसने बेटर चीज दिया, अब टेक्नोलॉजी बदल गई है, अब 4G आ गया, आप लेके बैठे हो, अभी भी जाओ गांव खेड़े में वो 2G लेके बैठे गाली दे रहे, हम क्या करें, यही करते रहोगे आप पूरी जिंदगी, यही करोगे, सिर्फ रोना रोते रहोगे। तो ये रोना रोना बंद कीजिए। मुझे पता है शायद इस वीडियो में मेरे आपको बताने का तरीका थोड़ा सा गलत हो सकता है, थोड़ा सा हार्श हो सकता है, बट आप यकीन मानिए दिस इज द ओनली वे टू लर्न, दिस इज द ओनली वे टू लर्न। जब तक आपके दिल को वो चुभेगा नहीं ना, जब तक आपके दिल को चुभेगा नहीं, आप कुछ नहीं करने वाले हो, कुछ नहीं करने वाले हो। हम चाहते हैं सब कुछ लॉलीपॉप की तरह मेरे को बिस्तर पे बना बनाया मिले और मुझे मिले। ऐसा नहीं होता है सर, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना आपको, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये जो मैंने आपको हैबिट्स बताई हैं, इन हैबिट्स पे वर्क कीजिए, इन हैबिट्स पे वर्क कीजिए। अच्छा अब जितने लोग, मैं एंड की तरफ आ गया हूं, मैं ये वीडियो एंड करने वाला हूं, तो जितने लोग यहां तक पहुंचे हैं ना, सबसे पहले मैं आपके लिए एक छोटा सा क्लैप करना चाहता हूं, मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूं भाई, आप में वो पेशेंस है, यू गॉट दैट पेशेंस। अगर आप ये वीडियो देख सकते हो ना अंत तक,
तो भैया आपके अंदर वो पेशेंस है मेरे भाई, बस उसको आपको निकालने की जरूरत है। आप पेशेंस रखें, आप जिम में जाओगे ना, 2 दिन जाके ऐसा डंबल करने से आपके डोले शोले नहीं बनने वाले, 2 दिन जाके खाना कम करने से आपका पेट अंदर नहीं जाने वाला है, आपको वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको वो 1-2 साल तक करना पड़ेगा। आपका जो पेट आया ना वो एक दिन में नहीं आया, आपका पेट आने में कम से कम 10 साल लगे, तो जाने में कम से कम 2-3 साल तो लगेंगे। आप सोच रहे हो कि भैया मैं 2 दिन कसरत किया क्यों नहीं गया, टाइम लगता है, प्रैक्टिस कीजिए, जितना देखेंगे इतना सीखोगे, उसको इम्प्लीमेंट करो, राम भरोसे मत बैठो, 2 दिन किए, 2 दिन ट्राई किए, कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं किया, छोड़ दिया, नहीं चलने वाला है, करो। और आप देखिए ये चीजें जो मैंने आपको बताई, इसको आप फॉलो करें, एंड ट्रस्ट मी फॉर दिस, आपकी लाइफ बदल जाएगी, आप जीरो से हीरो बन जाओगे। लेकिन अगर ये नहीं करोगे आप जीरो के जीरो ही रहोगे। तो मुझे आप लिख के इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं, आपको लगता है कि जो पॉइंट्स मैंने बताए ठीक है वो इम्पॉर्टेंट है या नहीं, या अभी भी आपको वो आईपीएल या जो पिक्चर जो आप देख रहे हो या सास बहू की कहानियां वही पसंद आ रही है, तो जाइए आप वही सास बहू देखिए, आप वही आईपीएल देखिए, उनको अमीर बनाइए। आप अमीर नहीं बन सकते हो, आप कभी अमीर नहीं बन सकते हो। आप जाके शाहरुख खान को पूछिए, अक्षय कुमार को पूछिए, आमिर खान को पूछिए, वो आपसे पता है इस चीज क्या बोलेंगे, हमने अपनी खुद की पिक्चर नहीं देखी आज तक, उन्होंने आज तक खुद की पिक्चर नहीं देखी, आप जाके उनकी पिक्चर देखते हो। दैट इज द ओनली डिफरेंस, ये एक डिफरेंस है, समझ गए तो समझ गए, नहीं समझे तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में, टिल देन गुड नाइट।